फरमाया ये कायनात तखलीक होती है उसके हुक्म से, तुम्हारी खिलकत के मराहिल तय होते हैं उसके हुक्म से, तुम तवल्लुद इख्तियार करते हो, पैदा होते हो, तुम्हारा जहूर होता है, तुम अदम से वजूद में आते हो उसके हुक्म से, मौत आती है उसके हुक्म से, बरज़ख में जाते हो उसके हुक्म से, उठाए जाओगे उसके हुक्म से, हिसाब किताब दोगे उसके हुक्म से, सजाओ जजा का फैसला होगा उसके हुक्म से। फरमाया अरे बंदे ये गौर तो कर ले कि जो ये चार दिनों का मरहला, ये जो पोशीदा सवाल छोड़ा था कि जब ये सारे के सारे मराहिल अल्लाह के हुक्म से तय किए जाते हैं तो ये चार दिनों की जो जिंदगी है ये किसके कानून के तहत बसर की जाएगी? अल्लाह के हुक्म से।